नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएफएफ न्यूज में। दोस्तों, धारा 370 को लेकर पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और एक के बाद एक तमाम ऐसे कदम उठा रहा है जिसके बाद अब भारत में तमाम लोग पाकिस्तान के लिए फैसलों पर अब यही गाना गुनगुना रहे हैं कि इसमें तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। इतना नहीं दोस्तों, कई लोग तो इस बात से भी जोड़कर देख रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत से रिश्तों को तोड़ने की बात करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई शख्स जो पंचर लगाता हो वो इमारत जैसी बड़ी कंपनी से ये कहे कि हम आपसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान है कि धारा 370 को लेकर उसकी छटपटाहट कम नहीं हो रही। वो रोज आए दिन तमाम कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलील किया जा सके। लेकिन शुक्र है मोदी सरकार की उन तमाम विदेश नीतियों का जो साल 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार चलाती रही, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के पास धारा 370 को लेकर रोने के लिए चीन के अलावा और कोई कंधा बचा ही नहीं। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई देश तो कम से कम भारत के इस फैसले पर अपना बयान दे और भारत की खिलाफत करे, पर ये काम का जिम्मा संभाला है खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। वो तमाम लगातार दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और उनके हेड्स को फोन कर रहे हैं, पर्सनली फोन कर रहे हैं और एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि कोई तो कुछ तो बोल दो धारा 370 को लेकर। दोस्तों बता दें कि साल 2014 से मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके पूरे कार्यकाल में उनका ध्यान ज्यादातर इसी बात पर रहा है कि किस तरीके से विदेशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया जाए, खासतौर पर उन देशों से जो गल्फ कंट्री कहलाते हैं, और अब उनकी वो तमाम कोशिशें रंग ला रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी भारत का ही साथ दिया। यूएई ने साफ तौर पर यह कह दिया कि धारा 370 भारत सरकार का अपना इंटरनल मैटर है जिसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर सुनना नहीं चाहता। इतना ही नहीं दोस्तों, इमरान खान ने जब सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया, और ऐसा ही कुछ हाल मलेशिया और टर्की का भी है, और ऐसा ही कुछ जवाब श्रीलंका का भी है जिसने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये भारत का अपना आंतरिक मामला है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी अब OIC यानी कि इस्लामिक देशों का जो कोऑपरेशन है उसके आगे भी गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि मुस्लिम देशों का ये संगठन अब तक भारत के खिलाफ रहा है और कश्मीर के मामले पर हमेशा से ही पाकिस्तान की बात को तवज्जो देता रहा है, और कश्मीर पर भारत के दावे को हमेशा से ही गैर कानूनी बताता रहा है, और भारत भी कश्मीर के मामले पर मुस्लिम देशों के संगठन को हमेशा से ही आड़े हाथों लेता रहा है। दोस्तों इसके पीछे भी वजह थी कि भारत ने कभी भी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात को वो तवज्जो नहीं दी जो उसे देनी चाहिए थी। लेकिन अब मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत सऊदी अरेबिया और UAE से संबंध इतने बेहतर हो गए हैं कि वो पाकिस्तान को भी नकारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब बात डिप्लोमेटिक रिलेशंस की होती है तो कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और यही वजह है कि मोदी की नीति और रणनीति के तहत गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात अब भारत के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, जिसके पीछे की बड़ी वजह मोदी सरकार की 2019 में लगातार दूसरी बार धमाकेदार जीत भी रही। इसके अलावा भारत की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन देशों को भारत के साथ खड़ा होने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर कोई भी भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहता, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह मोदी सरकार की लुक वेस्ट पॉलिसी भी रही जिसका सारा ध्यान उन्होंने मिडिल ईस्ट पर फोकस किया। हालांकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह बड़ी तादाद में वो भारतीय भी हैं जो इन देशों में रहते हैं और यहाँ काम करते हैं, और पाकिस्तान इस बात को समझने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है कि कोई भी देश बढ़ते हुए भारत के साथ खड़ा होना चाहेगा, न कि कर्ज में डूबे कमजोर पाकिस्तान के साथ। दोस्तों मुस्लिम देशों के साथ मोदी के बढ़ते हुए संबंध की गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि UAE ने उन्हें जायद मेडल से सम्मानित किया है जो उनके देश का सबसे बड़ा सम्मान है। ये सम्मान उनकी उस कोशिश को दिया गया जो उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों में गहराई पैदा करने को लेकर की, और ऐसा ही कुछ हाल सऊदी अरेबिया के साथ भी है जिन्होंने मोदी को अपने देश के हाईएस्ट सिविल ऑनर द किंग अब्दुल अजीज शास से सम्मानित किया, और ये मोदी के दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि मोदी ने तमाम मुस्लिम देशों का पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता था वो संबंध नहीं रह गया जो एक जमाने में हुआ करता था। और दोस्तों सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही क्यों, अमेरिका भी लगातार भारत के साथ ही खड़ा हुआ दिखाई देता है, जहां पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने अब तक धारा 370 को लेकर कोई भी कड़ा बयान नहीं दिया है, और इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ इकलौता कंधा बचा है जो कि चीन का है, जिसे पकड़कर पाकिस्तान रो सकता है क्योंकि चीन
पाकिस्तान की बात सुनेगा, क्योंकि चीन को भी भारत के उभरते हुए वर्चस्व से खतरा महसूस होने लगा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो चीन के जो लीडरशिप है उसे भी वक्त रहते कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।